हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ राजस्थान का बहुत ही फेमस कैमल डोर हैंगिंग। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है बांधने का कपड़ा, एक कैनवास लिया है और एक मैंने लाइनिंग के लिए यहाँ पर कपड़ा लिया है जो हम बेल्ट बनाने में काम में लेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग का कपड़ा रखना है, फिर कैनवास बीच में रखना है और फिर बांधनी का कपड़ा ऊपर रख के और चारों तरफ से सिलाई कर लेना है और पीछे की तरफ मोड़ लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पतली वाली गोटा लेस ली है जो मैं इस बेल्ट के ऊपर चारों तरफ लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये चारों तरफ लेस लगा ली हैं और कैनवास से आप भी देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बिना कैनवास के भी मैंने डोर हैंगिंग बनाना बताया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखना। तो गोटा लेस लगाने के बाद मैंने यहाँ पर ऊन से बनी हुई लेस को लगाया है और इस वीडियो में मैंने ये बनाना नहीं बताया है क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में इस लेस को बनाना आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप ज़रूर मेरे पिछले वीडियो चेक करना। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अलग अलग शेप के मिरर लिए हैं और 3-4 कलर की मैंने बॉल चैन ली है। तो अब हम पट्टी को डेकोरेट करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर राउंड मिरर लिया है, राउंड शेप का, उसको लगा देंगे और उसके बाद चारों तरफ 3 कलर की ऊन जो हमने ली है तो उस ऊन से हम बाउंड्री बना देंगे चारों तरफ। फ्रेंड्स, राजस्थान में जो भी आर्ट वर्क का काम होता है ज़्यादातर उसमें गोटा पत्ती और ऊन और मिरर का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, उसी से ये देखने में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है मेरी ये पुरानी लेस और ये जो मिरर की लेस आती है उसमें से, देखो ये मिरर मैं ऐसे निकाल रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी लेस हो तो कभी उसको फेंकना नहीं, ऐसे ही इसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे मिरर निकल जाते हैं। तो उसी मिरर का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इस राउंड शेप के मिरर के चारों तरफ हम ये 4 मिरर ऐसे लगा लेंगे। तो मिरर लगाने के बाद इसके चारों तरफ भी मैं यहाँ पर येलो कलर की ऊन से इसको डेकोरेट कर दूँगी ताकि ये खाली खाली ना लगे, थोड़ा सा अच्छा लुक आए देखने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डोर हैंगिंग का हमारा आधा काम हो गया है, मतलब हमने ऊपर का बेस पूरा तैयार कर लिया है, बेल्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम बनाते हैं कैमल। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने कैमल शेप में पहले कार्डबोर्ड पे या पेपर पे आप कुछ भी ऐसे डिज़ाइन ड्रॉ कर लीजिए जैसा आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन ड्रॉ कर पेपर को कट कर लिया और उसके बाद कपड़े को सीधी साइड अंदर की तरफ रखकर और उस पेपर को उसके ऊपर रखकर कट कर लिया। और जो जो लाइनिंग हमने कपड़े पर बनाई है उसको हम मशीन से उस लाइन पर हम मशीन चलाते हुए सील देंगे और एक तरफ से जो पीछे की साइड है हम उसको थोड़ा सा खुला रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरीके से मैं मशीन चला रही हूँ डिज़ाइन के ऊपर उसी तरीके से आपको धीरे धीरे से चलानी है। और देखिए आप, मैंने कितने अच्छे से ये मशीन से अच्छे से शेप में इसको सीला है। और अब मैंने इसके चारों तरफ कट कर लिया है और कट के निशान लगाने हैं ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो कोई भी अंदर झोल नहीं आएगा और अच्छी शेप में हमारा बन के तैयार होएगा। तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया है और तो मैंने यहाँ पर रुई ली है और अब जो हमने बनाया है कैमल उसको हम एक तरफ से हमने जो ओपन रखा था उधर से हमें कॉटन अंदर फिल करनी है और बाद में हम उसको अच्छी तरीके से सील लेंगे। मैंने यहाँ पर कॉटन ली है, आप इसकी जगह पुराने कपड़ों की कतरन भी ले सकते हो, उससे भी आपका सेम ऐसा ही बनेगा। तो अब हमारे कैमल तो बनकर तैयार हो गए हैं पर थोड़ा सा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है तो उसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो मैंने वीडियो में आपको ग्रीन कॉटन का कपड़ा दिखाया था तो उसकी मैंने पतली पट्टी कट कर ली है और वो लगा ली पहले और उसके बाद गोटा पत्ती हम इस कपड़े के चारों तरफ लगा लेंगे। जो ऊँट के ऊपर जो लगा हुआ होता है ना कपड़ा, अक्सर आप देखते हो वही वाला बेस हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये लेस मैं चारों तरफ लगा दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फेवी बॉन्ड यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नॉर्मल फेविकॉल या फैब्रिक ग्लू से भी चिपका सकते हो, ये अच्छे से चिपक जाएगा उसके ऊपर। और उसके बाद मैं गर्दन के ऊपर भी 2 बार ये लेस को लगा दूँगी, उसके बाद मैं दोनों पैरों पर भी डबल लेयर में इसको गोटा पत्ती की लेस को हम लगा लेंगे ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे।
तो फ्रेंड्स ऊँट को तो हमने अच्छे से डेकोरेट कर लिया, पर हमने अभी तक इसकी आंखें तो लगाई नहीं। तो आंखें बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ब्लू कलर के कुंदन लिए हैं, जो हम यहाँ आंखें होती हैं जहाँ उस दोनों तरफ हम ये दो कुंदन लगा लेंगे। और उसके बाद मैंने ये ली है वाइट कुंदन की लेस, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा हम कट कर लेंगे और उसके बाद इसके अलग अलग ये कुंदन निकाल लेंगे। तो जो हमने ये ग्रीन कलर का कपड़ा लगाया है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर हम ये वाइट कलर के कुंदन लगा देंगे ताकि कपड़ा हमारा थोड़ा अच्छा दिखे। फ्रेंड्स दोनों तरफ ये कुंदन लगाने के बाद अब हम लगाएंगे इसकी एक पूंछ। आप पूंछ लगाओ तो भी अच्छा है, और नहीं लगाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। जो हमने लेस ऊन से बनाई थी उसी की यहाँ मैं पूंछ लगा रही हूँ, जहाँ पे हमने हाथ से सिलाई करी उस तरफ हमें ये लगानी है। तो ये यहाँ पर मैंने ऊँट तैयार कर लिए हैं, ये मैंने 17 ऊँट बनाए हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मेरे पुराने ब्लाउज थे उसकी ये लटकन मैंने निकाल ली थी। तो लटकन, पॉम पॉम और कुछ बड़े मोती, कुछ छोटे मोती, ऐसे करके मैंने बहुत सारे लिए हैं। आपके पास जैसे भी हो, जो भी हो, आप जैसे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दो बड़े लटकन लिए हैं, तो दोनों साइड में मैं पहले ये बड़े लटकन लगा दूँगी। और पहले हमें बड़ा लटकन लेना है, फिर पॉम पॉम डालना है, फिर अपनी इच्छा अनुसार जैसे आपके पास मोती हैं वैसे आप मोती को डालना छोटे बड़े। तो मेरे पास यहाँ पर जैसे भी छोटे बड़े हैं वो मैं डाल दिए। पहले थोड़ा सा लटकन डाला, पॉम पॉम डाले, दो चार मोती डाले, और फिर मैंने ऊँट को डाला और फिर ऊपर थोड़े और मोती डाल लिए। और डालने के बाद मैं यहाँ पर पट्टी पर इसको लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोग है ना मेरे वीडियो तो देख लेते हो, व्यूज़ आ जाते हैं पर लाइक नहीं आते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मिलने से ना हम बहुत मोटिवेट होते हैं और आगे हमें कुछ अच्छा करने की हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर ये मेरा राजस्थानी तोरण बनकर तैयार हो गया है, देखने में इतना सुंदर लग रहा है कि एकदम बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो।